बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सलीम शंड अफरीदी और आप देख रहे हैं नवाए शहन न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, मियां आशिक हुसैन हेड बकैनी की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं। पेशे के लिहाज से शोबा सियासत से मुंसलिक हैं और इसके अलावा सियासी समाजी फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अपनी मेहनत, लगन और जिद्दोजहद से मुआशरे में एक मुनफरद मकाम हासिल कर चुके हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत करना अपना अवलीन फ़र्ज समझते हैं। उनके इंटरव्यू से ये बात साबित होती है कि अगर कोई इंसान अपनी मंजिल को छू लेना चाहता हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसके दरमियान हैल नहीं हो सकती और वो इंसान अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ अबूर करता चला जाता है। आज हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आशिक हुसैन। कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं सर? हेड बकैनी से। हेड बकैनी से। सर, आपका सियासी ताल्लुक किस सियासी ग्रुप से है? बुखारी ग्रुप से है। बुखारी ग्रुप से इनका जी ताल्लुक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बुखारी ग्रुप ने आपके हल्के में कौन से तरक्याती काम करवाए हैं और इलाके की आवाम उनके कामों से किस हद तक मुतमईन है? बुखारी ग्रुप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, ये फरमाएं कि आने वाले इलेक्शन में बुखारी साहबान की जो सियासी पोजीशन है वो क्या होगी, क्या वो इलेक्शन जीत जाएंगे? सियासी पोजीशन अच्छी है, इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन भी वो जीत जाएंगे। वस्सलाम।